कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन चिकन ब्रोकली, वो भी मेरे स्टाइल में। चले हम शुरू करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ब्रोकली है, ये तकरीबन 3 पाउंड के करीब है। ये मैंने अच्छे से काट के इस तरीके से पीस में की हुई है, वॉश करके मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है अपने बॉल में। ओके, हम अपना लिड हटाते हैं और अपना स्टोव ऑन करते हैं। इसको मीडियम हीट पे रखेंगे हम और अपनी ब्रोकली को बिल्कुल स्लाइटली फ्राई कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून इस पे ऑयल डाल रहे हैं हम। ओके, देखिए मैंने अपनी सारी ब्रोकली निकाल ली है, एक खुले बर्तन में रखी है ताकि ये जल्द से जल्द ठंडी हो जाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 पाउंड चिकन थाई है। ठीक है, आप इसको बनाने के लिए ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और थाई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से वॉश करके रखी हुई है। हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और ये अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, थोड़ा इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून में यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इन तीनों को अच्छा सा मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे। अच्छा, मैंने ये सारा बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अदरक लहसुन सॉल्ट और ब्लैक पेपर को, ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से इस पे 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अपनी चिकन को भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे रखेंगे, एक अच्छा सा इस पे कलर लेके आएंगे। देखिए मैंने एक साइड से बना लिया है, ये मुझे इस तरीके से इसके ऊपर ये कलर चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक थोड़ी डिफरेंट डिश है। हम लोग रेड रेड सालन खा के थक जाते हैं, तो थोड़ा सा एक डिफरेंट डिश है ये, आप प्लीज जरूर ट्राई करें। आप ब्रोकली की जगह जो है वो बंद गोभी डाल दें, या फिर ये के फूल गोभी डाल दें, शिमला मिर्च डाल सकते हैं आप, बेल पेपर आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रोकली मिल जाती है तो आपकी ये डिश बहुत अच्छी बनेगी और एक डिफरेंट चीज़ आपको खाने को मिलेगी, एक डिफरेंट डिश आपको खाने को मिलेगी। मैं इसको फिनिश करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी चिकन यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। मुझे जो इसका कलर चाहिए था इसके ऊपर, ये दोनों तरफ से मैंने बहुत अच्छे से इसका कलर दे दिया है। देखें दोनों तरफ से इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसको निकाल के अपने डिश में रखती हूँ और फिर हम अपनी सॉस बनाएंगे। हमने स्टोव अपना बंद कर दिया है, हम अपनी सारी चिकन को डिश आउट कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसके लिए एक सॉस, बहुत अच्छी सी सॉस रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 2 टेबल स्पून में ये बटर यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून
चॉप गार्लिक है वो मैं डाल दूंगी इसमें और इसको हल्का सा इस पे सौते कर लूंगी, इसको लाइट गोल्डन करेंगे हम। ठीक है, देखिए हमारा गार्लिक यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, हमको इसको जलाना नहीं है, बस हमें इसी तरीके से इसको गोल्डन करना है। यहाँ पे मेरे पास एक कप ऑनियन का पेस्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑनियन को हम फ्राई करेंगे जब तक इसकी कच्चापन नहीं निकल जाता, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी यहाँ पे ऑनियन जो है वो बहुत अच्छे से डन हो गई है, ये इसका सारा पानी जो ऑनियन का था हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसमें एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अदरक का पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, वो डाल देंगे हम, लहसुन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसके अंदर साबुत, ठीक है, अदरक को मिला देंगे अच्छे से पेस्ट को। यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये बिल्कुल मेरा फ्रेश है, मैंने अभी पीसा है। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर ये सारे आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने मसाले अच्छे से भून लेते हैं इसके साथ मिक्स करके। यहाँ पे 1 कप योगर्ट है वो मैं डाल दूंगी इस टाइम पे, इस पे अच्छा 1 कप मेरे पास यहाँ पे हैवी क्रीम है, ठीक है, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, तो मैं ये कॉर्नफ्लोर इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करूंगी। देखिए हमारा ये मिक्सचर यहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो गया है सारा, हमारे दही का पानी भी खुश्क हो गया है जो हमने दही डाली थी इसके अंदर। अब हम इसके अंदर अपना क्रीम डालेंगे, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल साफ कर लेंगे। मैंने अपनी हीट को बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, तेज नहीं है, अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। अच्छा देखिए हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी चिकन डालेंगे, ठीक है, और साथ में यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लेमन का जूस है, पहले मैं वो डाल देती हूँ उसके अंदर, हल्का सा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अपनी चिकन इसमें डाल देंगे, ये देखिए चिकन मैंने इसमें डाल ली, उलट पुलट कर दूंगी मैं इस तरीके से। ठीक है ये सारी हमारी हो गई, हमने अपने सॉस में इसको डिप कर लिया, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगाती हूँ हल्का सा इसको कवर करके, इसको हल्का कवर करके दम पे लगा देंगे, बिल्कुल स्लो पे रख देंगे, थोड़ी देर इसके साथ पड़े रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सा इसको हमारी सॉस को अब्सॉर्ब कर ले, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पे डन हो गया है, अब हम इसमें ब्रोकली डालेंगे सारी अपनी बॉइल, सॉरी जो हमने फ्राई की थी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं इसके साथ, बिल्कुल आखिर में मिक्स करेंगे क्योंकि हमें अपनी ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाना है। हम बंद करते हैं अपने चूल्हे को। ये देख लें हमारी
चिकन बन के रेडी हो गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 1 pinch ऑफ इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है। आप लेमन है तो मैं इस पर थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ। चल, ये हमारी बिल्कुल डन हो गई है, देख लें। साथ में यहाँ पे हमने इसके साथ व्हाइट राइस बनाए हैं, सैलेड बनाया है। ब्रेड बनाइए, ये इटालियन है। हमारी चिकन की डिश बनके रेडी हो गई है। इस डिश को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अब चलती हूँ, दोबारा लौट के आऊंगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।